Welcome to the course of OpenCV with Python 0 to 1.

पर जो नॉलेज इंपार्ट करूंगा एक बार उसे कंपेयर करके देख लेना जितने भी कोर्सेज पीछे रह गए ठीक है जितने भी कोर्सेज अभी तक पढ़े तीन चार घंटे में लोग लिख देते हैं कि ओपन सीखें इट्स नॉट पॉसिबल ठीक है अगर आप वो सीख के जा रहे हो तो फेस एंड इंटरव्यू आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या सीखा है नाउ सेकंड थिंग इज दैट कि आई डोंट टीच व्हाट इज रिटेंडेंट टू द लेक्चर जितने भी चीजें आपको ओपन सीवी पर मिल जाएंगी यूट्यूब वो मैं यहां पर नहीं पढ़ाऊंगा मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा कि जो चीज आपको पढ़ानी चाहिए मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा ओपन सभी इंस्टॉल कैसे करें आपका टाइम नहीं वेस्ट करने जा रहा हूं मैं ठीक है थर्ड थिंग इज दैट आई हैव टू इस कोर्स के बारे में एक खास बात है कि मैं उन क्वेश्चन से वाकिफ हूं जो कि आपको पूछे जाते हैं किसी भी इंटरव्यू के दौरान ठीक है इंटरव्यूज में जो भी हम्स पूछे जाते हैं जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट वही क्वेश्चन पे मैं फोकस करूंगा सिंपली आपको चलते चलते मैं बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन कब पूछा जाता है ये क्वेश्चन कौन से इंटरव्यू में पूछा जाता है और किस लेवल तक पूछा जाता है ठीक है थर्ड थिंग इज दैट आई विल द दियोटिकल नॉलेज अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन लोग बता देते हैं कि सीवी टू डॉटिव थ्रेशोल्ड से Adaptive लगती है बट थ्रेशोल्डिंग लग रही है इसका मतलब क्या ओतू और ट्राइंगल में अंतर क्या है इसके बाद जो वॉटर शेडल गोरद में अगर वो चल रही है तो फिर उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है बैकग्राउंड कैसे काम करता है सीम कार्विंग कैसे काम करती है दीज ऑल आर द थिंग्स जो कि पूछी जाती हैं वी हैव इंप्लीमेंटेड बट वी डोंट नो कि इसमें हो क्या राय ऑल राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम इट आई वुड गिव यू अ फ्री डाउट रिड्रेसल मतलब आज तक ऐसा कोई भी यूट्यूब वीडियो नहीं जो डाउट रिड्रेसल करता हो आप कमेंट्स में अपने डाउट लिखो आप कहीं भी अपने डाउट लिखो मेरा इंस्टाग्राम है इन्फो आर एन मेरे को फॉलो करो डाउट लिखो वहां पर मैं आपको इंस्टेंट डाउट रिड्रेसल दूंगा ऑल राइट right, एक दो दिन में आपका डाउट एड्रेस करके दूंगा मैं कुछ भी हो वो भले ही मेरे को वीडियो कॉल पर क्यों ना एड्रेस करना पड़े आई एड्रेस इट सेकेंड थिंग इज दैट Now regarding your skills, your skills will be enhanced both from the practical end as well as the, from the theoretical end. क्योंकि जहां लेवल जिस लेवल तक हम लोग ये जा रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करेंगे बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट से एट द एंड वी विल रीच टू द प्रोजेक्ट्स जो आज तक YouTube पर नहीं आए किसी को अगर मेरे प्रोजेक्ट्स देखने हैं तो मेरी कंप्यूटर विजन वाले प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट प्ले, प्ले लिस्ट में देख लो वो सारे के सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही यूनिक है अपने आप में बट उनसे भी यूनिक हम प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं एंड हम करेंगे इंस्टेंट सेगमेंटेशन सेमेंटिक सेगमेंटेशन के साथ ठीक है नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू रेंडर एवरी मैथमेटिकल एंड फिजिकल स्किल अलॉन्ग विद इट जिसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स नहीं भी आती है उसे मैं इसमें टीच करूंगा कि एक्चुअली कंप्यूटर विजन के पीछे की मैथमेटिक्स के जब तक वो नहीं जान पाओगे एबल टू क्रैक इंटर्नशिप एंड सिर्फ एक अकेडमिक लेवल का ओपन सी भी रहकर रह जाएगा ठीक है इस लेवल का मैं नहीं पढ़ा रहा हूं जिसे ये पढ़ना है वो तीन चार घंटे वाली वीडियोज देख सकता है लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो नेक्स्ट वीडियो से हम ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड डाउट सॉल्विंग जो होगी वो यू कैन ईदर कमेंट मी और अगर आपको इंस्टेंट डाउट रिड्रेसल चाहिए यू कैन जस्ट सेंडमी और एन डीएम ओवर इंस्टा ऑल राइट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन मीन लर्निंग ए आई कंप्यूटर विजन डीप लर्निंग दट ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड की कैसा क्या डिफरेंस चलता है ऑल्सो वाई मैथमेटिक्स फिजिक्स इन टू द रोल ऑफ कंप्यूटर विजन ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम सारा कुछ समझेंगे कि वॉट इज वी आर वी आर गोइंग टू कवर इन द लेक्चर सो थैंक यू गाइस